वाले जीत चुके हैं। किशन थोड़ा इधर आ जाएगा, इधर आएगा ना भाई, क्या किया भाई 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 इधर हो जान दो पहले भाई भाई इधर भी अब्दुल दो भाई को हमारे वासी थैंक यू सो सॉरी लेट हो गया भाई भाई हो जाओ थैंक यू सो मच थैंक यू सो सॉरी आप लोग को वेट करना पड़ा हैप्पी बर्थडे हंगामा मचा दिया वो सब चीजें एक तरफ मगर मुझे पर्सनली अगर पूछेंगे तो मुझे उसका गेम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने उसकी तारीफ की। ऑन द अदर साइड अभी एल्विश ने बहुत बार हम लोग के घर वीडियोज़ वगैरह बनाए वो तो छोड़ो, उसके बाद में मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर किया जो मैंने कुछ चीज़ें देखा था सलमान खान सर के बारे में, सलमान खान भाई के बारे में। कट करेगा मैं कट कर दूँ अभी तो बोलेगा अभी क्यों काटा, मोमेंट वोमेंट नहीं चलता अपने बस काट दो। क्या बोलते भाई कैसे हो तुम? इसने सबको बोला ब्लैक ड्रेस खुद व्हाइट में कॉलर दिखना चाहिए ना बस स्टैंड आउट करने के लिए इसने हमें ब्लैक में बुलवाया। मेरा अर्ली मॉर्निंग शूट है वो भी दुबई में, 5 घंटे में एयरपोर्ट में जाना है। अनान का बर्थडे कैसे? अनान के लिए क्या गिफ्ट लेके आए? अरे खुद आ गए 5 फुट 8 इंच की खुद आकांक्षा पूरी आई है इससे बड़ी गिफ्ट क्या आकांक्षा पूरी आई है पूरी की पूरी रात को मैं हूँ साथ में अन्नान के साथ में ये अरे विजुअली गाली कर साथ में ले भाई क्या साथ दोनों चलिए चलिए एक विजुअल यहाँ हो रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है अंबानी अपना वीडियो बनाने के चक्कर में इधर हमारा होता रहा मुझे तो कुछ नहीं दिया अदनान ने तो, और वैसे आज इनका बर्थडे तो मेरा देना पड़ता है तो अदनान क्या गिफ्ट चाहिए आपको जो थैंक यू सो मच आप आए बर्थडे में कोई गिफ्ट है अदनान का कोई भी स्पेशल ओकेजन हो और मैं ना आऊँ तो ऐसा अरे पूछना सबसे पहले इनका जन्मदिन किस तरह की आपकी यादें रहती हैं इनके साथ और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि उन कुछ लोगों में से एक है अदनान जो एक कॉल पे मुझे पता है मैं फोन लगाऊंगी तो उठाएंगे और जहाँ भी मैं बोलूंगी वहाँ आ जाएंगे तो हमेशा मेरे भी कोई स्पेशल ओकेजन हो भले मेरी कोई अपकमिंग मूवी हो सॉन्ग हो कुछ भी हो अदनान हमेशा रहते हैं या उनकी बेस्ट विशेस होती है और उनका कुछ भी होता है तो मेरा रहता है बिल्कुल तो मैं चाहूंगी आगे भी कुछ भी हो हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट अदनान ऐसे हजारों लाखों बर्थडे आप इतना नहीं आकांक्षा एक सब आकांक्षा मेरा
मेरा एक सवाल रहेगा, आज कैट इवेंट हुए और उनके काफी सारे इंटरव्यूज हुए, बट मेरे इंटरव्यू में पर्सनली उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अ बैड किसर, यू आर अ वेरी गुड किसर, एंड उसके बाद काफी सारे वो काफी रेग्रेट होते हैं। मैंने भी सवाल उनसे पूछा था और माफी मांगी उन्होंने आपसे, जो बैड किसर उन्होंने कहा था ना, उसको लेके फिलहाल तो मैं अदनान के साथ खड़ी हूँ, तो मैं उसके बर्थडे पे फोकस करना चाहूंगी एंड इसका जवाब डेफिनेटली मैं देना चाहती हूँ। और मैंने वो सारे क्लिप्स भी देखे, आपकी आवाज भी सुनी मैंने, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा था, तो थैंक्स टू जग, थैंक यू जे कि आपने इस चीज को अप्रिशिएट किया और बोला, क्योंकि अभी तक इस सवालों को मैं अकेले ही फेस कर रही थी एंड अब फाइनली उन्होंने भी मेरा साथ दिया और उन्होंने बात बोली, अपॉलोजी दी, मैं उनकी अपॉलोजी एक्सेप्ट करती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि इतनी ऑनेस्टली और मच्योरली उन्होंने इस बात को हैंडल किया। और मुझे ये वही समझदार जज दिख रहे हैं जो मुझे पहले तीन चार दिन दिखे थे फिर कहीं गायब हो गए थे, तो अगर यही वो जज हैं जो मुझे इन इंटरव्यूज में दिखे हैं और पहले तीन चार दिन दिखे थे, तो मैं भी आपसे मिलना चाहूंगी जज को। इन्होंने अभी जो जिस तरह हम देख रहे थे छोटे आगे भी ली, और आपसे भी मैंने समय पहले एक सवाल पूछा था, आपने कहा कि सिस्टम मिल गया, तो आप इसके क्या रहे बाइक चलो देखिए, इन्होंने कहा एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैं बिग बॉस भी इतना फॉलो नहीं कर रही, आज ये इंटरव्यूज मुझे इसलिए पता है कि वो सारी क्लिप्स मेरे पास भी आ रही थी, सब मुझे टैग कर रहे थे एंड दैट्स हाउ आई नो, अदरवाइज मुझे ये इसलिए नहीं पता। अब्दुल के साथ फोटो कर लेते हैं, फोटो भाई के साथ, अरे भाई हाँ आ जाओ, अंदर एक सेटअप देख के बस 2 मिनट में आ रहा हूं भाई, वो ये करना पड़ेगा, साफ करो तो हो जाएगा पानी में। शेर टाइगर इधर, शेर इधर है, टाइगर इधर है, चलो बाइट बाइट देख के आ रहा है, देख कर आ जाओ, ठीक है आप आ जाओ, देख कर आइए आइए, बस चलो भाई नहीं पूछ पूछ, बर्थडे है बच्चों का, बर्थडे नान के बर्थडे को देखो, हाँ किशन रोल करो, पर्सनालिटी का पहले पहले बहुत सारे सबका अपने बारे में और अल्लाह ऐसे अभी पता करे और आज ऐसा हुआ कि 12 बजे से पहले करीब लोग और लंच में भी हम लोग साथ में सब है, फैमिली साथ में लंच पे गई, बहुत अच्छा था हमारा, बहुत स्पेशल था, मैं बता देता हूँ कि वो एलिमेंट का ऐसा कुछ है स्लैंग
उसका अंग्रेजी तो आती है, फोटोग्राफर बना दे अजीब तरीके से उसने रिएक्ट किया था और बहुत उल्टा सीधा बोला था, तो उसका काम है वो बोलना और मुझे लगा ये चीज़ अभी बोलना चाहिए क्योंकि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म से कोई बोल रहा नहीं है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मैं उससे मिला नहीं हूँ ना वो मुझसे मिला है, ठीक है। तो अभी उसका एक माइंड सेट हो गया रहेगा, वो हेट करता है, वो फालतू चीजें बोलता है, गालियाँ यूज करता है, जो भी चीजें करता है, शायद वो मिलेगा तो उसका पर्सनल चेंज हो जाएगा। हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर मिलेगा, बोल नहीं सकते अभी, वो जानता नहीं है, उसके दिमाग में जो भी चीज़ आई रही है ये बोलेगा तो वही सब चीज़ें कर रहे हैं। आप दोनों दोस्त बन सकते हैं आने वाले दिनों में, बोल नहीं सकते बन सकते हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, दोस्त भी बन सकते हैं, फाइट भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अदनान अभी एनी बिग अनाउंसमेंट, अभी कोई नया प्रोजेक्ट आपका सॉन्ग या कोई काम करने आने वाला है? अभी फिलहाल तो ऐसा नया कुछ आने नहीं वाला और मैं कभी कोई भी कंपनी से एक्सक्लूसिवली साइन नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोगों को बताना था। तो जो भी एजेंसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ और अब बहुत सारा काम कर रहा हूँ। अभी कौन कौन आने वाले हैं? बहुत सारे आने वाले हैं, सबका वेट करें। और कुछ लोग अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, डी एविल, सेवन बट्टाइज, जो रैपर्स लोग हैं उन लोग आ चुके हैं, आकाश आ चुका है, फिजा आ चुकी है, डायना आ चुकी है और भी बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो जा रहे हैं, आएंगे, सब आते हैं, ऑन द वे होंगे सब। भाई मनीष पूजा के बारे में, मनीष रानी और पूजा भट्ट, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। पूजा मैम मेरी कॉलेज से, जो कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उसी कॉलेज, तो पूजा मैम भी वही कॉलेज से है। अदनान, क्या अगर सिस्टम बाहर आएगा बाद में बिग बॉस के पास मिलना चाहेंगे उसके, अगर ऑफर करोगे? मैं क्यों नहीं, वो मिलना चाहेगा तो मिल लेंगे भाई, डन हो गया। आप है ना खाली हो चूड़ी के साथ, क्या अपनी विजुअल कर लेते हैं? ओ फुल बर्थडे गिफ्ट। ऑल द इंटरव्यू जो आप लोगों ने मेरे क्वेश्चंस मेरे बिहाफ पे जज से पूछे, सो मैंने बोला, मैंने सुनी आपकी आवाज, मोबाइल पर खड़े हैं तुम। सो जस्ट कॉल मी एंड मैं ये पर्सनली सुनना चाहूंगी, एंड इफ दिस इज द रियल यू देन क्या हम सेम फ्लाइट में तो नहीं मिल जाएंगे? दुबई जा रहे हो आप? मैं भी दुबई जा रही हूँ, मैं फिनाले के लिए वापस आऊंगी। वो भी फिनाले के लिए वापस आएगी? ओके, मिल जाएगा। मैं सॉन्ग शूट करने जा रही हूँ, आप लोग मेरी BTS देखोगे दो दिन तक और चार इवेंट्स हैं, जिसकी भी पोस्टिंग देखोगे। तो मैं काम से जा रही हूँ गाइस, अच्छा ना काम मिल रहा है, मिलने दो यार, ये सब तो हो जाएगा जब होगा। प्लीज गाइस लेट्स नॉट स्प्रेड फेक न्यूज एंड थिंग, बस जो जब होगा मैं आप लोग के सामने बताई। असली न्यूज यहाँ है, अदनान का हैप्पी बर्थडे है। अरे इधर देखो ना अकंजा जी, इधर इधर व्हाट्सअप चालू है, बर्थडे बॉय को विश कर दूं पहले? नहीं, पहले रेड कार्पेट में पहले आपको विश करूं? हाँ रेड कार्पेट में आ जाओ, बस रेड कार्पेट। थोड़ा सा बस आकाश इधर 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 माइटम जी, माइटम जी, माइटम
यहाँ पे रील बनाना मोबाइल वाले को आकांक्षा जी यहाँ पे अरे काफी बीमार हुआ है आज आकांक्षा जी काफी बीमार हुआ है आप अंदर 30 साल का हो तो माशाल्लाह चौका है भाई चपान अडमी दबाओ दहा हो जाएगा ना उसके दबाव में रुकाओ भाई कैसे हो भाई बाइक की चल रही है जो पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के आइकन है जो लोग पूरे बॉलीवुड में भी जितने भी हीरोज है सबको देखिए बॉडी बिल्डिंग चालू करते हैं हम लोग भी इनको देखिए चालू किए बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है बहुत सारे जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं तो उनके बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद आज उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनके शो में आ गया और सामने आके मुंह में मिट्टी बन रहा है इसके पहले कि आपने यूट्यूबर को देखो मैं तो ओपन हूँ और उसका काम है कैमरे के सामने बैठ के बकबक करना तो कैमरे के सामने बैठ के बकबक कर सकते हैं पर वो अगर ओपन है फाइट के लिए तो आई एम रेडी तो क्या ये रिवेंज तो नहीं है जो टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूब का हुआ था कुछ रिवेंज नहीं है मैं एक अपना ओपिनियन शेयर किया जिसकी वजह से ये चीज़ इतना हाइप ले ली और बहुत ज़्यादा ये सब वायरल चल रही है अगर आपको उसके बाद में अगर आपको बुलाएगा मीटिंग करने के लिए तो आप करेंगे उसके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है वायरल बॉलीवुड की कुछ ना अगर ऑफर करेगा तो और आपने जो स्टेप अप किया है बोलने चाह रहे हो उसमें क्या करना सलमान सर वो सब फेक न्यूज थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पहली बात अगर ऐसा हो भी जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि बाल भाई का ना ये बाल भी बाका होगा फॉलोअर्स इनको क्या मतलब वो एक ब्रांड है ये खुद एक वैल्यू है तो ये फॉलोअर्स से ये सब फेक न्यूज़ वायरल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला भाई तो भाई रहेंगे आप देखोगे ना अगर रिसेंटली वो उस टाइम जाने से पहले भी ना देने लगे तो मैं बोला कि इतना सच अगर हजम नहीं हो रहा तो थोड़ा और सच लड़कियों से लड़ रहा है तो उसके लिए एक और बर्थडे में देखो मेरी आदत नहीं है ये सब चीज़ें अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा था वो कर रहा है और रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस को टीम 37 के फैंस को और सलमान खान सर के फैंस को रिक्की झोपड़ी वाले और बहुत ही फालतू चीज़ें कि लोग के बेरोजगार हैं पढ़े लिखे नहीं हैं जाहिल है तो डिस्क्रिमिनेशन ये तो उसकी आदत ही है दूसरों को रोस्ट करना और दूसरों पे फालतू बातें करना और गालियाँ देना तो मैं वो देखा तो मैं सोचा कि मैं
अपना ये चीज बोल के और भाई तक का ये चीज पहुंचे और भाई देखे आप उसको उसके जाके लगता है आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखे वो बहुत टाइम से कंटिन्यू वीडियोस बना रहा है और बहुत ज्यादा बोलते आ रहे हैं और छुपी छोपड़ी वाले मुंबई वाले वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन लोग फर्क लाते मुंबई दिल्ली क्या पता क्या इन लोग क्या समझते हैं और छुपी छोपड़ी पंचर बनाने वाले इन लोग ये सब वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो अलहमदिल्ला हम लोग जहाँ से भी आए हैं और ड्रेस नहीं करते और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं हम लोग जहाँ से भी आए प्राउडली बोलते हैं आज भी बोलते हैं कि प्राउडली कि हाँ हम लोग हैं वहाँ से और हम लोग को फ़ख्र है कि हम लोग वहाँ से हैं पर आज इस मुकाम पे जहाँ पे लोग सोचते हैं आप भी सोशल मीडिया के स्टार हो ये भी सोशल मीडिया के स्टार है दोनों सोशल मीडिया के स्टार हो एक दूसरे के साथ मिलके रहे खास है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग जो भी लोग जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं चाहे वो क्रिएटर हो या ना हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा पर इन लोग मिले नहीं है शायद इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी है कि इमेज सेट हो गई है और इन लोग खेल दे रहे हैं पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है जो इन लोग का माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा आदि आदि इधर इधर एक कैंडी ले लेंगे ना इधर लेके आ जाओ जोर से विजुअल हो गया हरे कृष्णा मेरे को एक पिज्जा को पहले फ्रेम में ले लो एक साथ में पिज्जा तुम आगे तुम अंदर आ जाओ पहले ये सामने जो आपको यहाँ पे देखो पिज्जा एनी गुड विशेज ऑन अजलान बर्थडे एनी नहीं सर गुड विशेज और दुआएं हैं क्योंकि पहले एज अ क्रिएटर जानते थे मैं MTVS स्पेस वन में थी टू में गए तो क्रिएटर जानते थे बट आप जेन्युइनली भाई हैं बहुत डाउन टू अर्थ है और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह उसको डबल कामयाबी दे और जो भी प्रोजेक्ट करे उसको क्रिएट हो जाए 100 million व्यूज हर चीज़ पे एंड इंशाल्लाह अदनान इज़ बेस्ट वी हॉप हम क्या उसको विश देंगे तो हमको दुआ देंगे जैसा उग रहे हैं उनको और उगाएंगे बर्थडे बॉय कैसी विशेज आई आपके फैंस लोग के तरफ से आपको कैसा फील कर रहा है एज यूजुअल बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमेशा इन लोग इमोशनल करते थे दोस्तों भी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरी बर्थडे को लेकर ये बर्थडे नहीं फेस्टिवल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं मेरे जितने भी सब फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ मेरे जितने भी फैन पेजेस हैं उस फैन पेजेस में देख रहा हूँ कि उन लोग एक कैंपेन रन कर रहे हैं जहाँ पे जो लोग जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं और ऐसे वीडियोज़ बना रहे हैं और मेरे लिए दुआ करने वाले तो वो सब चीज़ें भी देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरे NGO खुलने के बाद भी उन लोग ये एक स्टेप उन लोग भी ले रहे हैं और मुझे देख के लोग भी ये सब चीज़ें आगे भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील करता हूँ इतना प्यार इतना लोगों की तरफ से कहा जो मिलती है कितना ब्लेस फील कर पाते हैं ये सब वीडियोज़ आप देखते हो आप सोशल मीडिया पर कुछ अगर बताना चाहूँ बहुत ही हर हाल में ब्लेस फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में शुक्र करता हूँ अल्लाह का और मुझे लगता है कि वही शुक्र करने की वजह से ऊपर अल्लाह और मेरे पे कुर्बान है सब चीज़ें मुझे और नवाजते जा रहे हैं अल्लाह और बस यही शुक्र कर रहा हूँ आज का बर्थडे जो आपने कहा एक स्पेशल भी है आज आपने कोई स्पेशल या कोई किसी के लिए कुछ गिफ्ट लाया स्पेशल गिफ्ट लाया क्या वो गिफ्ट तब हिंदी ले लें चूड़ी सरप्राइज तो बंद करो इसके लिए हो सकता है आगे मत जाओ भाई आगे मत जाओ आवाज भाई समझते हैं
क्या है ना, सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए, अभी सुबह ही भेजना, अभी कुछ करना नहीं। स्टार्टिंग जगह नहीं, मैं फिटनेस बोलूँ तो मैं अदान को देख के फिटनेस मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो टाइम में अदान की बॉडी बहुत अच्छी थी, और ये जब हम लोग फेसबुक पे थे, ये फेसबुक बॉडी थी, बैर बॉडी शेड हो गई, तो मैं इसको देख के फिर मैं भी उसके अंदर के बाजू में जिम बॉडी ट्राई किया। आज उनसे काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, अपने से काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर लेता है, मगर उनको ही देख के मैं सीखा। हर हाल को, हर मोमेंट को हम लोग जीते हैं, हर हाल में हम लोग शुक्र करते अल्लाह का, और यही दुआ करूँगा कि उनकी दोस्ती ऐसी अभी वो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो था ना एक बंदा थोड़ा टेक बांध लेना, अभी नहीं करते बेचारा, मगर वो सब बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छे और भी है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, और दुआ करूँगा कि हमेशा यही स्पीड में रहे, और जो भी गोल है तो सब चलता। तुम्हारे घर पे तो मेरी तरफ से इन्होंने पूछा मेरा विजुअल उससे नहीं ले रहा बर्थडे वाले ने, तो मैं देखा तो ये दिल्ली के साथ अभी साइड दिया है अदनानी साइड भी, इस साइड भी भाई अमित यादव के लिए, और जो आके हेट फैला रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं जिन लोगों को, बाकी ये बेरोजगार लोग हैं, जो कामना कर रही है उन लोगों के लिए, इस साइड भी है ना भाई साइड। अदनान एल्विस की आर्मी के लिए क्या बोलोगे, बोलना नहीं है चुकी लाया हूँ। अदनान भाई इधर इधर, अरे यार पार्सल करवा दो भाई, थैंक यू। अदनान पार्सल नहीं आ रहा और अब्बा बोल रहे हैं, देख रहा वही जमाना नहीं, जमाना नहीं, मिस्टर कलयुग स्वागत है आपको इस महफिल में, इधर आय के बढ़ते हैं, अरे इधर 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 की जरूरत नहीं है, अरे कहीं जो कहीं उधर उधर, अरे लाइट प्रॉपर पीछे का लाइट अनान मचा दिए माहौल बना दिया है, अनान भाई ने माहौल बनाया आज, माहौल बनाया एक फोटो इधर अंदर चलो ना, भाई तू इधर ले ना, उसको पीछे ले ना भाई, पीछे हो जाओ ना भाई, भाई लेफ्ट साइड भाई, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट में, लेफ्ट में, इधर इधर
जो इधर राइट में अभी इस साइड भाई, अभी इस साइड आकांक्षा जी, इस साइड लेफ्ट साइड टू ये साइड, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आपके राइट साइड आई, आपके राइट साइड म्यूचुअल के लिए। अरे भाई इधर बाइक पर म्यूचुअल म्यूचुअल, चलो भाई गाइस हैप्पी जल्दी। वाह सलमान खान आमिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वेरी वेरी गुड। चलो आइए पहले तो विशिंग अदनान अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस हिम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। और पिछले 4 साल से मैं हर एक बर्थडे अदनान का अटेंड कर रहा हूँ और सीइंग हिम ग्रो एट दिस पॉइंट आज बर्थडे तो एक रैप हो जाए आपका अच्छा लग सकता है। कौन सा पसंद है, कौन सा पसंद है गाना गाइए, अदनान भाई के लिए तेरा नाम याद नहीं है, तेरे काम याद नहीं है, तेरे को तेरा इस काम याद नहीं है, पिछले तो छूटे तो कामयाब नहीं है। देखना जितना कमाता है, जितना कमाता सपट से उड़ाता है, बात तो चुभेगी फूल नहीं काटा है, आड़े में आता तो धूल नहीं चाहता है, किसको नहीं समझा मेरे को समझाता है, भूला या नहीं किसने फिर भी तू आता है, तेरी को क्या है तेरा क्या जाता है, मेरा मैं जानता हूँ तेरा तू जानता है, भावना किसी के बाप का नहीं है लेकिन दूसरे का स्टाइल तो झापता सही है, भाई तेरा हक से ट्रैक पे मचाता है, पैसा और फेम छोटे आता है जाता है, हर चौड़ी छोड़े अपने माल बसती है, अपन दिखे तो पहले कुछ कुछ करती है, माल जी के तो सब माल चौड़ी जानती तू मेरे को ना ब्रेक तेरा चाल बड़ी खुशी जगह देती है, लगे मिलना माने अपने भाई मिलना दिल्ली पे आगे सीधा रंग। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे अदनान भाई, बहुत ज्यादा भाई ने जो रैप गाए एकदम सिचुएशन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ना, जा रहे ना, शॉर्ट नहीं गाए बोलने के लिए आए ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिखाइए दिखाइए इधर भी, इधर भी। मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया बिग बॉस के ऊपर, लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने ही क्वेश्चन किया था, तो देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैंने